नमस्कार, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज सिंपल तरीके से पॉक फ्राई करने वाली हूँ, तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे करूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें पॉक डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मसाला को थोड़ा फ्राई करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर। अब अच्छी तरह से फिर से मसाला लेंगे। अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ प्याज और फिर से चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। हम और दूसरा कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ जीरा डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम में पकने देंगे। हम बीच बीच में ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से लाल लाल दिख रहा है, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। देखिए, देखिए अब ये अच्छे तरह से पक गया है, तो हम इसको निकालते हैं दूसरी प्लेट में। अगर आप लोग को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।